नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे फर्स्ट वीडियो पे। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, आप अपना हार्ड डिस्क को अगर फुल फॉर्मेट करना चाहते हैं लेकिन आपको अपना डाटा चाहिए, तो आप डाटा कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको फुल प्रोसेस दिखाता हूँ। तो ये आ चुका है मेरा हार्ड डिस्क, 1 TB का है, WD Blue। तो फर्स्ट मैं ये कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो कनेक्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जब आप कनेक्ट करेंगे तो ठीक से जो केबल है होता है, एक पावर कनेक्टर एक साटा कनेक्टर, वो ठीक से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये कैसे कनेक्ट होता है, ठीक। फर्स्ट आपको SMPS से जो पावर कनेक्टर निकलता है, साटा पावर कनेक्टर, उसको आपको हार्ड डिस्क में कनेक्ट करना पड़ेगा। वो पहले देख लीजिएगा, वो ऐसे कनेक्ट होता है, ये देख लीजिएगा एक बार, वो ठीक से कनेक्ट करना पड़ेगा। और दूसरा जो साटा कनेक्टर है, उसको भी आपको हार्ड डिस्क में कनेक्ट करना पड़ेगा। ये ऐसे मैंने कनेक्ट कर लिया दोनों ही केबल ठीक से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सिस्टम ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने सिस्टम ऑन कर दिया। सिस्टम ऑन होने के बाद मैं क्या करता हूँ, डेल बटन प्रेस करता हूँ, डिलीट बटन प्रेस करके मैं बायोस में घुसता हूँ, ठीक है। तो ये डिलीट बटन प्रेस करो, ये बायोस में घुस गया। तो अब मुझे जाना पड़ेगा बूट में। तो ये मैं बूट में गया, तो जो फर्स्ट बूट ऑप्शन है उसको मैं, इसका SSD लगा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट बूट ऑप्शन में SSD कर लेता हूँ कि मुझे SSD से बूट करवाना है। तो फर्स्ट बूट डिवाइस SSD कर लिया, SSD है, देख लीजिए SSD है, फर्स्ट बूट में फॉक्सिन का SSD है, ठीक है। तो अभी मैं F10 करके सेव कर लेता हूँ। अब ये देखिए विंडो बूट हो रहा है, ठीक है, बूट होने दीजिए। तो मेरा जितना भी डाटा है, उतना डाटा कॉपी करने के लिए तो मुझे एक हार्ड ड्राइव चाहिए। तो मेरे पास एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, ठीक है, ये मेरा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ये USB एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, ठीक है, तो मैं ये कनेक्ट कर लिया। तो ये देखिए इसका लाइट भी ब्लिंक कर रहा है, ये देखिए लाइट भी ब्लिंक कर रहा है, तो मतलब इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी दिस PC में जाके, ये देखिए मेरा हार्ड ड्राइव जो है ये शो कर रहा है। तो मेरा डाटा है EFGH I ड्राइव में, ठीक है। तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, जो मेरा ई ड्राइव है वो पहले ओपन कर लेता हूँ। तो Ctrl+A प्रेस करके, सिलेक्ट ऑल करके, मैं Ctrl+C करके कॉपी कर लेता हूँ। तो मेरा जो हार्ड ड्राइव है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले ओपन करने के बाद एक फोल्डर बना के, ठीक है, तो मैंने पहले से ही फोल्डर बना के रखा है। तो मैं इस फोल्डर के अंदर जाके मैं क्या करूँगा, सब मेरा जितना भी डाटा है, तो मेरा तो 2-3 ड्राइव का डाटा है। तो मैं क्या करूँगा, Drive 1 Drive 2 Drive 3 करके एक फोल्डर बना लूँगा इसके अंदर। तो मैं उसके अंदर जाके पेस्ट कर दूँगा, ये मैंने पेस्ट कर दिया है। तो ये पेस्ट होने में तो टाइम लगेगा थोड़ा, जो पेस्ट हो रहा है, तो पेस्ट होने दीजिए, फिर मैं आपको फुल प्रोसेस और एक बार बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मेरा पूरा जो डाटा था वो मेरा डाटा कॉपी हो चुका है। तो मैं आपको तो आपको ये प्रोसेस दिखा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए आप ठीक से। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो हार्ड ड्राइव है उसको एक दूसरा सिस्टम में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के टाइम में आपको एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो पावर कनेक्टर है और साटा कनेक्टर है वो ठीक से कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो कनेक्ट होने के बाद आपको आपका सिस्टम ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद बायोस में घुसना पड़ेगा सिस्टम का। बायोस में घुसने के बाद जो बूट ऑप्शन रहेगा उसके अंदर जाके आपका जो फर्स्ट बूट ऑप्शन है उसको आपका जो सिस्टम है जिसमें आपने हार्ड ड्राइव कनेक्ट किया है, उस सिस्टम का जो हार्ड डिस्क हो या SSD हो, उसको फर्स्ट बूट ऑप्शन में आपको करना पड़ेगा। और आपका वाला जो हार्ड ड्राइव है उसको आपको सेकेंड बूट ऑप्शन में करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से F10 बटन प्रेस करना है। जब आप F10 बटन प्रेस करेंगे तब आपको उधर पूछेगा कि आपने जो मॉडिफाई किया है उसको क्या आपको सेव करना है। आप क्या करेंगे, यस Y प्रेस करके आप बायो से एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो सिस्टम है वो बूट होने लगेगा, फिर आपका जो सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। जो सिस्टम ऑन होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो माई कंप्यूटर है वो ओपन करना पड़ेगा। माई कंप्यूटर ओपन करने के बाद आपका जो हार्ड ड्राइव रहेगा जिससे आपको डाटा निकालना है, उस हार्ड ड्राइव के अंदर जाके आपको आपका जितना भी डाटा है वो डाटा पूरा पहले सबसे पहले कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होता है, नहीं तो कोई भी पेन ड्राइव में, नहीं तो आप अपने जो जिस सिस्टम में अपने हार्ड डिस्क को कनेक्ट किया उस सिस्टम का हार्ड ड्राइव में आप अपना डाटा, जो भी डाटा है या जितना भी डाटा है, सब डाटा पेस्ट करके स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? तो अगर आपको लगता है मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जो जो मेरे चैनल पर नए हो तो सब सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। Thank you so much for watching this video.